प्रो के इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे राइट ऑन टेक्स्ट इफेक्ट के बारे में। इस इफेक्ट से हम किसी भी वीडियो के अट्रैक्टिव टाइटल बना सकते हैं। स्पेशली ट्रेवल वीडियोज पे ये इफेक्ट बहुत ही अच्छा लगता है। तो सबसे पहले तो हमें टाइमलाइन में एक वीडियो फुटेज डाल लेनी है। इसके बाद में हम इस पे एक टेक्स्ट टाइटल बनाएंगे। टेक्स्ट में हम यहाँ पे टाइप टूल को यूज नहीं करेंगे क्योंकि इसमें हम बाद में ज़्यादा चेंजेज नहीं कर सकते, तो इसलिए हम यहाँ पे लीगेसी टाइटल का उपयोग करेंगे। तो फाइल मेन्यू में जाके न्यू और लीगेसी टाइटल पे क्लिक करके एक लीगेसी टाइटल बनाते हैं और इस सिटी का नाम यहाँ पर टाइप करते हैं, जैसे यहाँ पर ये नाम है वेगस। इसको हम सेंटर में करते हैं, साइज थोड़ी इंक्रीज कर लेते हैं और यहाँ पे हम जो फॉन्ट है ग्लो एंड ब्लूम ये वाला यूज करेंगे। इस फॉन्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप चाहें तो इसे डाउनलोड करके यूज में ले सकते हैं, ये फ्री फॉन्ट है। इसको हम सेंटर में करते हैं और क्लोज कर देते हैं। अब हम इस लेयर को टाइमलाइन में डालते हैं, इस लेयर के ऊपर सेकंड ट्रैक पे। इसके बाद में हम एक नया ट्रांसपेरेंट वीडियो लेयर बनाते हैं, यहाँ से न्यू ट्रांसपेरेंट वीडियो, और इसको हम थर्ड ट्रैक पे डाल देते हैं इस प्रकार से। अब हमें ये जो ट्रांसपेरेंट वीडियो लेयर है इसको सेलेक्ट करना है और इस पे इफेक्ट डालना है राइट ऑन। तो इसके लिए हम इफेक्ट्स पैनल को आते हैं और यहाँ पे राइट ऑन, यहाँ पे आपको ये वीडियो इफेक्ट्स में मिल जाएगा। तो इसको ड्रैग करके इसके ऊपर ड्रॉप कर देते हैं। अब यहाँ पे ये जो राइट ऑन के इफेक्ट्स के सेटिंग्स है, यहाँ पे हमें कलर कोई भी एक ब्राइट कलर सेलेक्ट कर लेना है क्योंकि हमें ये जो टेक्स्ट है वेगस इसके ऊपर पेंट करना है और इसको कवर करना है। तो यहाँ पे हम ये लाइट ग्रीन सेलेक्ट कर लेते हैं और ब्रश की जो साइज है वो हमें जो ये फॉन्ट की साइज है इससे थोड़ी ज़्यादा लेनी है ताकि ये टेक्स्ट पूरी तरह से कवर हो सके। तो यहाँ से हम ब्रश की साइज को इस प्रकार से, ये आप देख सकते हैं वीडियो में जो ग्रीन डॉट दिखाई दे रही है ये हमारी ब्रश की साइज हो जाएगी। और स्ट्रोक हमें यहाँ पे सेकंड्स में जैसे हम 5 या 6 सेकंड्स सेट कर देते हैं और ब्रश की जो स्पेसिंग है इसको हम 0.001 सेट कर देते हैं और इस प्रकार से एंटर कर देते हैं। इसको हम थोड़ा लार्ज कर लेते हैं ताकि सिलेक्शन हमारा बिल्कुल आसानी से हो सके। और अब हम ये जो ब्रश पोजीशन है इस पे ये जो क्लॉक साइन है इसको क्लिक करते हैं और राइट ऑन को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम इसका सिलेक्शन चालू करेंगे। सिलेक्शन में की फ्रेम बनाने के लिए हमें राइट एरो की का यूज करना है। जिस प्रकार से हम इसको मूव करते जाएंगे, राइट एरो की प्रेस करते जाएंगे तो इससे की फ्रेम बनते जाएंगे। तो अब हम सिलेक्शन शुरू करते हैं। तो इस प्रकार से अब हमारा सिलेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको वापस नॉर्मल साइज में कर देते हैं। अब हम ये जो सेकंड ट्रैक है टाइटल
जो हमने बनाया था इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे इस पे हम फिल्टर अप्लाई करते हैं ट्रैक। ट्रैक में ये हमें कीइंग के अंडर में ट्रैक मैट की दिखाई दे रहा है, इसको हम ड्रैग करके इसके ऊपर ड्रॉप कर देते हैं। और यहाँ पे ये जो मैट ऑप्शन है इसको हम वीडियो 3 पे सेट करते हैं। तो इस प्रकार से ये टेक्स्ट हमें राइटिंग इफेक्ट शो करने लग जाएगा। इस प्रकार से अब हम इस पे कोई भी एक म्यूजिक अप्लाई कर देते हैं, जैसे ये म्यूजिक है। अब इसको प्ले करके देखते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने वीडियो में एक राइट ऑन टेक्स्ट इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। We'll be right back.